तो आखिर आगे के तीन चरण में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है और पूर्वांचल की लड़ाई क्या परिवारवाद राष्ट्रवाद इन तमाम मुद्दों पर लड़ी जाएगी। तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। एनके सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आलोक अवस्थी जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, और साथ साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद अहमद जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। एनके सर सबसे पहला सवाल आपसे ही कि क्या पूर्वांचल की लड़ाई में परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है और खास करके वो पूर्वांचल जहां पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी आता है, सीएम योगी का गढ़ गोरखपुर आता है, क्या परिवारवाद के मुद्दे के सहारे बीजेपी इस लड़ाई में उतरेगी पूर्वांचल के? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि परिवारवाद को इतना बड़ा मुद्दा है कि उससे जो परसेप्शन है वो बदल जाएगा। परिवारवाद किसमें नहीं है, बीजेपी में भी है, राजनाथ सिंह का भी बेटा चुनाव लड़ रहा है, राजनाथ सिंह भी चुनाव लड़ते हैं। परिवारवाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको कि हम कहें कि वो अचानक इलेक्शन के पूरे टेम्पो को बदल देगा। हाँ, जहां तक आतंकवाद का है वो एक गहरा मुद्दा था, लेकिन आतंकवाद वाला मुद्दा जाहिर है मुस्लिम अपीजमेंट का जो ये आरोप लगता है ये चस्पा होता है, ये चिपकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये तो 5 साल से चिपकता रहा है, इसके पहले भी चिपकता रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को वोट मिलते रहे, सरकार बनाते रहे। तो मुझे लगता है कि इस स्टेज पे आके बेटर ये होता कि आप अपने कार्यों को गिराते और आगे के कार्यों का वादा करते, वो ज्यादा अच्छा रहता बजाय इसके, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं, ये हमेशा अखिलेश यादव या मुलायम सिंह की पार्टी को लेके अपराधीकरण ये तो हमेशा स्टिग्मा लगा ही रहा है। लेकिन इसके बाद भी अगर बीजेपी से लोग हटके वोट देते हैं, जैसे 2012 में दिया, 2017 में नहीं दिया, तो देखना यह पड़ेगा कि क्या ये मुद्दा इस समय के चुनाव का है जबकि 4 फेज होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लेट हो, ये पहले आप करते 5 साल करते रहे उससे परसेप्शन बनता है, लेकिन अब इस समय अगर ये मुद्दे आप ला रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत हल्के पड़ जाएंगे। आलोक अवस्थी, जो सबसे बड़ा जिक्र एनके सर की तरफ से किया जा रहा है कि आखिर ये मुद्दे पुराने हो गए हैं, अब जब आप सत्ता में हैं, एक लंबे वक्त के बाद यूपी में आपको सत्ता मिली तो उपलब्धियों का बड़ा जिक्र होता है, आरोपों की बजाय आप लोगों ने क्या किया ये एक बड़ा फैक्टर होने वाला है, परिवारवाद आतंकवाद ये सारे मुद्दे पहले भी आप लोगों की तरफ से यूज किए गए हैं चुनाव में। देखिए सिंह साहब एक बड़े पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका सम्मान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरी पार्टियों का निगेटिव पॉइंट नहीं बताएगी तो हमारे पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखाई कैसे पड़ेगी? क्या आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का नहीं था? आज 5 साल के अंदर एक भी आतंकवाद की घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होने पाई, क्या ये सरकार की उपलब्धि नहीं है? इसके पहले की सरकारों में आप देखिए बराबर बम फूटते थे और बम फोड़ने वालों के क्या कहते हैं मुकदमे वापस लेने के जो है लिए जाते थे, हाईकोर्ट अगर नहीं होता तो ले भी लिए गए थे। और वही ये बात बड़ी हम कहेंगे कि अगर हम डेवलपमेंट की बात भी करते हैं तो पहले इलाज के लिए गरीब आदमी का मकान दुकान जमीन सब बिक जाती थी, आज 5 लाख रुपए गरीब को मिलते हैं ना। पहले परिवारवादी लोग जो थे, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घोर परिवारवादी जो है गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, कहते थे चक्कर लगाते रहे, लेकिन गरीब जनता खाली तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है ना। सपा बसपा और कांग्रेस नेता शासन शोषण करते थे, वे अपने महल बनाते थे और भारतीय जनता पार्टी गरीबों के घर बनाती है, एक बड़ा अंतर हमने स्थापित किया है। वे अपने खानदानी महोत्सव मनाते थे, हम दीपोत्सव और रंगोत्सव मनाते हैं जो जीवन से जुड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि वो सपा बसपा कांग्रेस सरकारें जाति पद इलाका देख करके नौकरी देती थी और हमने जो है ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से नौकरियां भी सरकारी दी हैं। और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के समय पे भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग कर दिया था, 4 भर्ती बोर्ड भंग किए गए थे और 1 भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करी। तो ये कितना बड़ा अंतर आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है। आज हर गरीब के घर पे रोटी है, उसको उसके लिए अनाज जाता है, राशन है, गैस है, इलाज के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई है और कन्या के विवाह में 1 लाख रुपया है। आज बिजली का कनेक्शन फ्री में जाता है, पहले बिजली जाती नहीं थी गाँवों के अंदर, हमने 100% गाँवों में जो है बिजली भेजी है, ये हमारा विकास। ठीक है जावेद अहमद जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादियों की वजह से गरीबों का भला नहीं हो पाया, बीजेपी एक तरफ सरकार ने क्या किया जो आंकड़े हैं वो पेश करती है, दूसरी तरफ आप लोगों के जो मुद्दे हैं जिसपे परिवारवाद है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, इन मुद्दों को लेकर कंपेयर करती है कि देखिए इनके राज में ये हुआ करता था, हमारे राज में ये नहीं है। देखिए आयुष जी, कहने के लिए ये कुछ भी कहें,
इनके यहाँ तो बड़ा जबरदस्त घमासान है परिवारवाद का, ये दूसरे के परिवारवाद पर उंगलियां उठाते हैं लेकिन अपने परिवारवाद को बताते हैं कि जनता ने उनको निर्वाचित कर दिया है। तीन तीन चार चार पीढ़ियों का परिवारवाद है। कितने नाम गिनाए जाएंगे, आशुतोष टंडन से लेके स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का परिवार हो, या राजनाथ सिंह जी का परिवार हो, या प्रेमलता कटियार का परिवार हो, या मुकुट बिहारी वर्मा का परिवार हो, इस तरीके से कितने नाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन इनको अपना परिवारवाद दिखाई नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात जो आलोक जी अभी लगातार कह रहे थे, अगर आपके पास आंकड़े थे, आपने धरातल पर काम किया था, तो आप मुद्दों पर राजनीति करते और चुनावी जो जनता के जन कल्याण से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर आप बहस करते। 2017 में जो आपने बातें की थी, आज उस पर आप कितने कदम चले हैं आप बता नहीं पा रहे। आप हर चरण में फाटा पिटाते हैं अपने लिए कि मैं अकेले ध्रुवीकरण की उस राजनीति पर जाऊं जिससे जवाबदेही से बच जाऊं। आप महंगाई पर जवाब देने को तैयार नहीं, बेरोजगारी पर जवाब देने को तैयार नहीं, 14-14 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए उस पर जवाब देने को तैयार नहीं, पीपी कोरोना काल में आपदा काल में कितने बड़े घोटाले हो गए उस पर जवाब देने को तैयार नहीं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन जिसको आप बड़ा अचीवमेंट मानते हैं अपना, उसमें आप आज तक ये आंकड़ा नहीं बता पाए कि दोबारा रिफिलिंग कितने कनेक्शन की हुई है। आप बार बार बात करते हो, आप बताओ कि बिजली कर्मचारियों का इतना बड़ा 2600 करोड़ रुपए का घोटाला आपने काप कर बैठे, उसका आज तक जवाब नहीं दे पाए। मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन हृदय रोगियों के लिए नकली दवाएं खरीद ली मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कहा हम एसटीएफ जांच कराएंगे, एसटीएफ का गठन तो छोड़ दीजिए, जिस फर्म ने नकली दवाएं हृदय रोगियों के लिए दी आलोक जी, उसको आप आंकड़ों से उपलब्धि बता रहे थे, आंकड़ों से ही सवाल पूछ रहे जावेद जी, बताइए। मंडल में कागजों पर देखिए, जावेद जी एक अच्छे प्रवक्ता है, इन्होंने परिवारवाद की बात तो करी और हमारे मैं परिवारवाद पर थोड़ा सा व्याख्या कर, जावेद जी सुन लेते हैं, जावेद जी आपके आपके जवाब आपके आरोपों का जवाब दे रहे हैं, ठीक है जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी ठीक है ठीक है ठीक है, जो जो आंकड़े आपने जिसको लेकर सवाल पूछा उसी का जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा जब तक कांग्रेस में थे तब तक ठीक से पता नहीं क्या जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी, थोड़ी सी ताकत बचा लिए, तीन चरण अभी हैं। आलोक अवस्थी जी आपके आरोपों का जवाब दे रहे हैं, सुनिए। देखिए परिवारवाद की जो हम बात करते हैं ना, तो परिवारवाद शीर्ष से चलता है। आज एक परिवार की पार्टी शासन नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, क्या आज नरेंद्र मोदी के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा तो नरेंद्र मोदी का मोदी जी के कोई परिवार से नहीं आएगा। आज पहले अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके पहले राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे पार्टी के हमारे, तो उनके बाद उनका बेटा अध्यक्ष नहीं हुआ, उनके बाद अमित शाह अध्यक्ष हुए, अमित शाह के बाद उनका बेटा अध्यक्ष नहीं हुआ, नड्डा जी अध्यक्ष हुए, नड्डा जी के बाद उनका बेटा नहीं होगा, कोई और हमारा कार्यकर्ता वहाँ पे होगा। इसी तरीके से इनकी पार्टियों में अध्यक्ष पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार का रहता है, और हम जहाँ तक की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं तो योगी जी के बाद योगी जी का बेटा नहीं होगा, कोई और मुख्यमंत्री होगा, मोदी जी के बाद कोई और प्रधानमंत्री होगा, इस तरह की भावना सच्चाई की है तो सोनिया गांधी होगी, उसके बाद राहुल गांधी होगा, किसी का नाम नहीं होगा, फिर वो गांधी परिवार नहीं आएगा। अखिलेश यादव की आप पहले प्रधान जी थे तो उनके अध्यक्ष थे, वही अध्यक्ष थे, उनके बाद उनका बेटा अध्यक्ष का कोई परिवार से आएगा। तो परिवारवाद ये है कि हमारी पार्टी में सर्वोच्च पद सुरक्षित है, अपने घोड़े को हरा चश्मा लगाकर।